आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस गुलदाउदी के पौधे के बारे में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, गुलदाउदी के इस पौधे में ढेर सारे फूल आए हुए हैं, लेकिन समय के साथ ये फूल क्या है, धीरे धीरे सूखते हुए जाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही सीज़न में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग होती है, इसलिए हम इनको काट के अलग कर देते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ये देखो, ये सूखे हुए फूल हैं, कुछ नए फूल भी आए हैं और कुछ नए बड्स भी आ रहे हैं। तो ये बड्स तब खुलेंगे जब इन फूलों को हम यहाँ से हटा देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो सूखे वाले फूल हैं इस तरह के, ये फूल हम यहाँ से हटा लेंगे और जो फूल अभी नए हैं, जो सूखे नहीं हैं, उनको रहने देंगे। तो इन फूलों को रहने देने से ये होता है, ये जो बड्स पीछे और भी आ रहे हैं तो ये भी फूल बाद में खिलना शुरू हो जाएंगे। इनको खिलाने के लिए हमें इनको हटाना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अगर ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम फिर से इस तरह के नए नए वीडियो लाने के लिए कोशिश में लग जाते हैं। ये देखिए इस तरह के बड्स इसके अंदर आए हुए हैं, जो छुपे हुए हमें दिख नहीं रहे, इसलिए हम इनको जो बाहर सूख चुके हैं इनको हम हटा देंगे। इस तरह के हमारे पास कई प्लांट्स हैं, इनकी हम अभी प्रूनिंग इस तरह से कर देते हैं और इस तरह से जो नए फ्लावर आ रहे हैं उनको आने का मौका देते हैं। तो ये पूरी तरह से हम इसको हटा लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अनुभव आगे आने वाले नए अनुभव के साथ आपके किसी दूसरे वीडियो में। टाटा बाय बाय।